नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत चिपापुल स्थित स्काई टच एनक्लेव के बी ब्लॉक में सेकंड फ्लोर पर बंद पड़े फ्लैट नंबर 208 में दिन दहाड़े चोर ने साधा निशाना और साफ कर गए कीमती जेवरात और अन्य सामान। स्काई टच एनक्लेव के बी ब्लॉक में फ्लैट नंबर 208 के रहने वाले थे मरहूम डॉक्टर हफीज मोहम्मद आरिफ एहसन, जो कि सेंट्रल क्रीमिया +2 स्कूल में असिस्टेंट टीचर हुआ करते थे, जिनके इंतकाल के बाद उनकी मैयत को लेकर उनका परिवार विगत 4 अक्टूबर को बिहार के जहानाबाद के लिए रवाना हुआ था और जाते जाते अपने घर की चाबी और जिम्मेदारी अपने पड़ोसी फ्लैट नंबर 202 के रहने वाले जकीर अहमद के परिवार को सौंप गए थे। किंतु आज करीब शाम के 6 बजे चोरी की घटना को अंजाम देते हुए अज्ञात चोर ने बड़ी ही चतुराई से सारे मामला का जायजा लेते हुए ताले को किसी अन्य चाबी से खोला और अंदर रखी अलमारी के लॉक तोड़कर सारी कीमती जेवरात और सामान लेकर फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मरहूम डॉक्टर हाफिज़ के परिवार को दी गई, साथ ही आज़ाद नगर थाने में भी सूचना दी गई, जिसके बाद आज़ाद नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी बिंदुओं की जांच करते हुए आगे की कार्यवाही में जुट। आपका? मेरा नाम है रुमाना नूरी। रुमाना नूरी। कौन से एरिया है? स्काई टच चेपापुल बी ब्लॉक 202 में हम रहते हैं और जिनके यहाँ चोरी हुआ है वो 208 है। कब गए ये लोग चाबी शॉप के आपको? ये गए हैं 4 अक्टूबर को शाम में, मिट्टी हुआ है उनके शौहर का जो मास्टर साहब है MD आरिफ, उन गए हैं उनको लेके लोग बाय रोड डेड बॉडी उसी दिन मेरे को अपने घर का चाबी दे के गई। कहाँ गए हैं ये लोग? ये लोग गए हैं बिहार तरफ, एग्जैक्ट एड्रेस बिहार के, हाँ, बिहार रहने के रहने वाले हैं, बिहार गए। तब से चाबी आप संभाले? जी तब से चाबी हम संभाले, हम लोग का आना जाना सब है ये घर में। आज क्या हुआ? आज 6:45 के टाइम में कोई आदमी आया मेरे गेट पे और 201 के बारे में पूछा, तो हम बोले मेरे को नहीं पता। क्या पूछा? मतलब पूछा ये लोग कहाँ हैं, हम बोले हमको नहीं पता, तो बोला कहाँ गए, हम बोले ये भी नहीं जानते, तो पूछा आपसे बातचीत नहीं है, हम बोले नहीं, इतना बोल के हम अपना गेट बंद कर दिए। और फिर हम अपने बच्चे को खिलाने लगे, वो भूख से रो रहा था तो हम किचन गए उसके लिए कुछ लाने और बाहर टहलाने के लिए गेट खोले ना, जैसे हम गेट खोल के चल गए किचन, तब तक उनका गेट बंद था। जब हम किचन में मुड़े ना, जैसे मेरा गेट खुला हुआ था, दिख रहा था किचन से, हम देखे गेट खुला हुआ है, वैसे हम बाहर आए ना कि चाबी मेरे पास है और गेट उनका खुला हुआ था, चाबी मेरे पर्स में था, हम पर्स से निकाल के लेके चाबी फौरन आए, देखे एक ताला नहीं है, एक ताला लटका हुआ लेकिन गेट खुला हुआ था। और वो एक आदमी को जाते हुए देखे घर से निकल के, शक्ल नहीं देखे, बैग टांगा हुआ था एकदम स्पीड में पास, मेरी सास पूछी कहाँ कौन है कौन है, बोला हम है हम है, बोल के एकदम स्पीड में चल गया। मेरी सास 5 मिनट भी नहीं हुआ अंदर आई मेरे को बोली, और वो पीछे गई है, हम बालकनी से देख रहे कि कोई बैग टांगा हुआ पार होगा तो देखेंगे, वो पीछे गई फिर वो आई बोली कोई नहीं है। तो जो आदमी आ रहा था आपको बोला था गेट खुला क्या वही तो नहीं है कहीं? वो नहीं जानते क्योंकि दो अलग हाइट अभी था। लोगों मतलब क्या नाम है फ्लैट का? स्काई टच। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? जकी अहमद। किनका मकान है ये? तारीफ। अच्छा, वो डेट कर गए हैं? हाँ डेट कर गए। चाबी आप लोगों को कब सौंपा गया था? बस जाते वक्त। कितना तारीख को? चार अक्टूबर को गए हैं सर। हाँ। कहाँ गए हैं ये लोग? ये लोग बाहर के रहने वहाँ के रहने वाले हैं, जहानाबाद। हाँ? कहाँ? जहानाबाद। हाँ। सारे फैमिली गए हुए हैं? फैमिली में दो, एक लड़का एक लड़की है, एक हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड डेट किए ना? हाँ। तो क्या हुआ आज, क्या हुआ? हम 4:45 उनका अंदर खुलवा करके टोपी लिए हैं, बंद करवा करके हम गए हैं दुकान, किसी बीच में हुआ क्योंकि मेरे घर में कोई था नहीं, दोनों लड़का वहीं है दुकाने पर है। आपकी कौन है वो? बहू है। वो बता रही आया था कोई आदमी? हाँ। क्या बोल रहा था वो? अभी तो वो इसके बाद तो वही बताए। आप सोते होते थे आप लोग यहाँ पर? हाँ। चाबी देके गया था आप? हाँ। देख रेख करने के लिए? हाँ? हाँ।